आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि हॉस्पिटल का निरीक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है, लगातार समीक्षा की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं वो यहां पर पहुंचकर देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो सेवाएं हैं वो दी जा रही हैं, जो वहां मरीज पहुंच रहे हैं उनको। आपको बताया कल भी सीएम योगी आदित्यनाथ इसी प्रकार राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पहुंचे थे, इमरजेंसी वार्ड में वो पहुंचे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने जो औचक निरीक्षण था वो किया था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आखिर किस प्रकार से जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान वहां पर किया जा रहा है अस्पताल के अंदर। तो ठीक इसी प्रकार आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं और यहां पहुंचकर वो सेवाओं को देख रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से जो भी प्रदेश के लोग हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर जो है सेवाएं दी जा रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ जो वहां के मौजूदा स्टाफ हैं, जो वहां के डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत करते हुए उनके बीच खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम योगी की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं हॉस्पिटल से जहां पर वो पहुंचे हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से जो कार्य है हॉस्पिटल में किया जा रहा है। तो लगातार कोरोना महामारी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रहे हैं और लगातार खुद हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो श्रमिकों को घर वापस लेकर आना हो या उनको जो भी सेवाएं दी जा रही हैं उसको लेकर बातचीत करना हो टीम 11 के साथ, या फिर खुद हॉस्पिटल पहुंचकर देखना कि आखिर किस प्रकार से हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्थाएं हैं। ये सारे काम खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं, राज्य के अंदर क्या कुछ हो रहा है सब कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं। तो एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार नजर आ रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, कुर्सी पर एक महिला बैठी हुई है, उनसे उनका हालचाल जान रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनसे पूछ रहे हैं कि उनको क्या तकलीफें हैं और किस प्रकार से इलाज हो रहा है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, जनता के बीच जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ फीडबैक ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि सीएम योगी के यहां पहुंचते ही स्टाफ ने उस महिला को मास्क पहनाया। सीधी तस्वीरें अस्पताल से हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं और जो भी किस प्रकार से काम किया जा रहा है उन सभी चीजों पर खुद नजर बनाए हुए हैं। तो हमारे रेसिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। हरेंद्र, जिस प्रकार से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रहे हैं और जो भी सेवाएं हैं उन पर खुद नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बताना चाहूंगा कि जिस तरह से टीम 11 की समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश दिए जाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने को लेके, अब योगी आदित्यनाथ खुद अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि सही मायने में जमीनी स्तर पर उन पर अमल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है इसको। और कल इसकी शुरुआत उन्होंने की थी जब औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। और अब जो हम सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल है राजधानी लखनऊ का, वहां वो पहुंचे हुए हैं इस वक्त और औचक निरीक्षण इसको कहा जाएगा क्योंकि टीम 11 के अधिकारियों के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित थी। इस बैठक से पहले अचानक निरीक्षण करने के लिए निकले हैं और इस वक्त जायजा ले रहे हैं जो स्वास्थ्य सेवा है और खासकर अस्पताल परिसर के अंदर जो साफ सफाई को लेकर जो हिदायत जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है वो ये देखना चाहते हैं कि जो न सिर्फ साफ सफाई परिसर के अंदर है बल्कि जो स्वास्थ्य कर्मियों के प्रोटेक्शन को लेकर उनके स्वास्थ्य को लेकर भी जो सफाई कर्मी है उन्होंने खासी चिंता अलग अलग मौके पर जाहिर की है और उनको भी कोरोना वॉरियर्स की संज्ञा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। तो उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर जो उपाय उठाने चाहिए, जो कारगर कदम उठाए जाने चाहिए उस सही मायने में उन पर अमल हो रहा है। इसके अलावा वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि जो आइसोलेशन वार्ड है अलग अलग अस्पतालों के हिसाब से जो तय वेंटिलेटर की संख्या वहां पर की गई है वो सही मायने में उतने वेंटिलेटर्स वहां पे हैं और काम कर पा रहे हैं, संचालन की स्थिति में है जरूरत पड़ने पर। और इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके लिए जो जरूरी जो पीपीई किट है उनकी सुनिश्चित संख्या, इसके अलावा सैनिटाइजर और मास्क पर्याप्त मात्रा में। और इसके अलावा तस्वीरों में अभी हमने देखा था एक बुजुर्ग महिला से, एक बीमारदार से वो बात कर रहे थे। तो सीधा उद्देश्य यही है कि वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनसे सीधा संवाद करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो बातें सरकार की तरफ से कही जाती, जो दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी को लेके सही मायने में वो जमीनी स्तर पर उतने कारगर हो पाते नहीं हो पाते, उसको समझने की कोशिश जो है सीधा संवाद करके उन्होंने की है। और एक कारगर कदम इस बात को लेके कहा जाएगा कि जिस तरह से जो तस्वीरें पिछले दिनों आई सामने आई थी और जो स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही की बात निकल के सामने आई थी, अब सीएम चाहते हैं कि उस तरह की जो लापरवाही वैसी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए खुद उन्होंने मोर्चा संभाला, खुद औचक निरीक्षण की जो प्रक्रिया की शुरुआत कल हुई है लगातार
उसका सिलसिला अनवरत अब देखने को मिल रहा है। जी अभिषेक जी हरेंद्र भाई, जिस प्रकार से कल सीएम योगी आदित्यनाथ राम बलहरी लोहिया हॉस्पिटल में पहुंचे थे तो वहां उनको कुछ खामियां देखने को मिली थी जिसको लेकर वो नाराज भी हुए थे, तो क्या अभी तक कोई ऐसी अपडेट सामने आई है कि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ को आज क्या कुछ खामियां नजर आई है? देखिए हालांकि अभी जानकारी अभी सामने आना बाकी है, लेकिन जो शुरुआती जो जानकारी है कि सबसे पहला जो उनकी प्राथमिकता इस बात को लेके होती है जब किसी भी अस्पताल के अंदर वो प्रवेश करते हैं कि उस पूरे परिसर के अंदर साफ सफाई हो, और चूंकि जो कोरोना काल है इस महामारी के दौरान में साफ सफाई और पूरे परिसर को हाइजीन बनाने के लिए जो तमाम जो निर्देश जो एडवाइजरी दी गई उसको फॉलो करना बेहद जरूरी है, तो इस बात पर उनका खासा जोर रहता है। हालांकि कुछ जगह जरूर उनको साफ सफाई में कुछ परेशानी है, वहां पे जो जिसको कहा जाएगा अप टू द मार्क वहां पे वो नजर नहीं आई है, उसको लेके हिदायत भी जो अस्पताल प्रबंधन के जो लोग हैं उनको दी गई है और जो सीएमएस है सिविल अस्पताल के, और इसके अलावा उन्होंने जो वार्ड का निरीक्षण किया है वो काफी हद तक संतोषजनक बताया जा रहा है, और कुछ देर बाद जब जानकारी निकल जाएगी तो पुख्ता तौर पर हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे कि इस निरीक्षण के दौरान क्या खामियां और नजर आई और किन बातों से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है संतुष्ट नजर आए। जी जी हरेंद्र भाई, जिस प्रकार से कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी आला अधिकारी हैं वो अस्पतालों पर नजर बनाए रखें, लेकिन उसके बाद भी खुद सीएम आज भी अस्पताल पहुंचकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए अभिषेक, इसको समझने की कोशिश करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अपने स्तर पे सुनिश्चित करके एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे प्रदेश में सभी 75 जिलों के लिए कि अगर उनके दिशा निर्देश के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही की जा रही है तो चाहे वो अपने स्तर पर या फिर उनके जो मंत्री है चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह या दोनों ही विभाग के प्रमुख सचिव, ये जो आला अधिकारी है वो कभी भी जाके औचक निरीक्षण कर सकते हैं, और ऐसे में बावजूद इसके अगर मौके पर कोई खामियां अगर सामने आती उजागर होती तो उन संबंधित जो अधिकारी है उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, तो इस बात का एक मैसेज वो देना चाहते हैं। खुद चूंकि उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है तो राजधानी लखनऊ, क्योंकि ये मुख्यमंत्री आवास से बहुत ज्यादा दूर नहीं कहा जाएगा ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल है, तो यहाँ वो आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और एक मैसेज देने की कोशिश है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि अब स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही जो है किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ खबर बनने के लिए।